बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी मौसम में कुछ ऐसा कह डाला कि भारतीय जनता पार्टी सकते में है और साथ ही साथ उनके समर्थक भी हैरान हैं। कैलाश जी जैसे कद्दावर नेता आखिर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। दरअसल विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को पैरों तले रोंदा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय ने ठीक यही कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को पैरों तले रोंदा है। विजयवर्गीय ने क्या कहा और क्यों कहा, देखिए खास रिपोर्ट। हाल ही में बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के लिए रवाना हो गए, जिस पर कमलनाथ ने तंज कसा। इस पूरे मामले में सतना पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के तंज पर पलटवार किया। विजयवर्गीय ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद लोगों को नींद कम आती है और वैसे भी कमलनाथ सपने देखते रहते हैं, सपने सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शिवराज सिंह चौहान और हमारी टीम ने पैदल चलकर मध्य प्रदेश देखा है। हम गरीबों की परेशानी और दर्द समझते हैं, जो कभी एसी कमरों में बैठकर बयानबाजी करते हैं उनके सपने सच नहीं होते। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश अभी देखा ही नहीं, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़े हैं, कभी सड़कें देखी ही नहीं है, ना तो गरीबों के काम देखे, ना उनके घर देखे, उनको क्या मालूम होगा। हम शिवराज जी ने और हमने पूरे मध्य प्रदेश को अपने पैरों से रोंदा है। दरअसल इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और वो ये कह गए, जबकि विजयवर्गीय कहना चाहते थे कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पैदल चलकर घूमा है, लेकिन गलती से कैलाश विजयवर्गीय कह गए कि हमारी पूरी टीम ने मध्य प्रदेश को रोंदा है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।